कुर्बानी किस पर वाजिब है, कुर्बानी किसके लिए जरूरी है। चंद मिनटों में ये मसाइल बिल्कुल वाजे तौर पे आपके सामने हल करूंगा। सबसे पहले हवाले पेश करता हूँ फतावा शामी में जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 457 फतावा आलमगीरी में। इसी तरह आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 106 और कई किताबों में ये मसाइल जो आपके सामने पेश करने वाला हूँ मिल जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कुर्बानी किस पर वाजिब है। मर्द अगर है उस पर कुर्बानी वाजिब है, औरत पे भी कुर्बानी वाजिब है। औरतें, बाज़ औरतें समझ रही हैं कि कुर्बानी वगैरह का ताल्लुक तो मर्दों से होता है, हमसे क्या है, गलत है। अगर आप भी साहिब निसाब हैं तो आप पर भी कुर्बानी जरूरी है, औरत होने के बावजूद भी। ये मत समझिए कि कुर्बानी शौहर की जिम्मेदारी है, आपके नाम से शौहर करेगा, आपके नाम से वालिद साहब करेंगे, आपके नाम से आपका भाई करेगा, उस पर जरूरी है नहीं। कुर्बानी जिस पर जरूरी हो रही है खुद उसी की जात पर जरूरी हो रही है, उसी की जिम्मेदारी है कि वो खुद कुर्बानी करे। लेकिन हाँ, कोई अगर उसकी तरफ से और कर देता है, शौहर कहता है कि बीवी तो है, कहां से लाएगी, क्या करेगी, जो है मैं ही तो, मेरा ही तो है, मैं करता हूं उसकी तरफ से। अब शौहर बीवी की तरफ से खुशी से कुर्बानी करता है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल जायज है, कर सकता है और अच्छी बात है। तो ये बीवी ये ना सोचे कि शौहर करेगा तो होगी कुर्बानी, वरना मैं कहां से कुर्बानी कर पाऊंगी, मेरी मुझ पर कुर्बानी जरूरी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अगर शौहर की उसकी तरफ से नहीं किया और बीवी मालदार थी, कयामत में बीवी की पकड़ होगी, कुर्बानी क्यों नहीं की तू, हसर में सवाल होगा। इसीलिए इसको समझने की बात है। तो मर्द पे भी कुर्बानी वाजिब है, औरत पे भी कुर्बानी वाजिब होती है। इसी तरह आकिल होना चाहिए। अगर कोई आकिल नहीं है, अकलमंद नहीं है, पागल हो गया है, मजनू है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पागल है बिल्कुल, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए अकलमंद होना जरूरी है। नंबर 4, बालिग होना। अगर नाबालिग है, छोटा बच्चा है, जितना भी मालदार हो उस पर कुर्बानी जरूरी नहीं है, न उसके वली पे जरूरी है कि वो उसकी तरफ से कुर्बानी करे, कुछ नहीं। मालदार जितना हो जाए उस पर कुर्बानी जरूरी नहीं है। इसी तरह कोई अगर मुसाफिर है, सफर में गया हुआ है, शरई मुसाफिर, 2-4-10 किलोमीटर गया, उसके कोई एतबार नहीं, इतना दूर सफर किया है कि जिससे वो मुसाफिर बन जाए, शरई मुसाफिर, तो ऐसी सूरत में उस पे भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। कुर्बानी वाजिब होने के लिए मुकीम होना जरूरी है। अब जरा इसमें समझिए, ये लोग अगर अय्यामे कुर्बानी में, कुर्बानी के 3 दिन हैं, 3 दिनों के अंदर इतने मालदार हैं, हाजते असलिया को छोड़कर, हाजते असलिया क्या है, वो हाजतें जिनको रोजमर्रा वो पूरे करते हैं, जैसे खाना पीना, चलना, या कोई और दूसरा काम है, घर में जो खाने पीने के बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं वो बर्तन हैं, ये जो जरूरी जरूरी चीजें, असली हाजत, असली जरूरत, उनको छोड़कर उसके पास इतने माल हैं कि जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सके। मार्केट में जाकर पूछे कि 52.5 तोला चांदी की कीमत कितनी है, वो बताएंगे कि 52.5 तोला चांदी की कीमत 25,000 है, 28,000 है, 30,000 है, क्योंकि चांदी की कीमत घटती रहती है, बढ़ती रहती है। मैं आपको एक मुतय्यना तौर पे नहीं बता सकता कि 30,000 हो जाए तो कुर्बानी वाजिब है। आज 30,000 है, हो सकता है कल चांदी की कीमत बढ़ जाए, 40,000 हो जाए, हो सकता है घटकर 20,000 हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये कह रहा था मैं कि 52.5 तोला चांदी, जाकर चांदी की दुकान में मालूम करिए कितने रुपए की आती है, वो उस दिन की कीमत आपको बता देगा। तो 52.5 तोला चांदी जितने रुपए की, जितनी कीमत की है, उतना ही माल अगर उसके पास हाजते असलिया को छोड़कर है, फिर उसमें कर्ज को भी माइनस करना है। मिसाल के तौर पे किसी के पास जरूरत के सामान वगैरह सब हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे समझिए कि 50,000 हैं, अकाउंट में 50,000 रुपए रखा हुआ है, लेकिन कर्ज उसके पास किसी और के पास से धार लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है 50,000। अब ये 50,000 माइनस होकर 0 हो गया। तो इसीलिए हाजते असलिया के अलावा कर्ज को माइनस करने के बाद, कर्ज को वजा करने के बाद, घटाने के बाद,
अब अगर उसके पास इतना माल बचता है जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सके, या चांदी की कीमत जितनी है उतनी कीमत उसके पास, उतना माल, उतनी कीमत का माल उसके पास मौजूद हो, उस आदमी के लिए कुर्बानी वाजिब और जरूरी हो जाएगी। अगर वो आदमी कुर्बानी नहीं देगा कयामत में पकड़ होगी। अल्लाह के नबी ने सख्त वईदें इस बारे में बयान फरमाई हैं। कुर्बानी करने का जितना बड़ा सवाब है, न करने का भी बड़ा खतरनाक अजाब है। इसीलिए अगर आप पे कुर्बानी वाजिब हो रही है, चाहे मर्द हो औरत हो, वो कुर्बानी जरूर दे। कुर्बानी के लिए मुकम्मल जानवर लाना जरूरी नहीं है। अगर 7 आदमी हैं घर में, 7 अफराद हैं, वो 7 आदमी मिलकर कुछ कुछ रुपए जमा करके एक जानवर खरीद के ले आते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। 7 आदमी बड़ा जानवर लाते हैं, मिसाल के तौर पे भैंस लाते हैं, भैंस में 7 हिस्से हैं, 7 आदमी हैं, 7 हिस्सा एक एक अपना अपना नाम करके 7 हिस्सा नाम कर देते हैं। अब किसी के लिए पूरा जानवर खरीद के लाना ये जरूरी नहीं है, एक हिस्सा कम से कम जानवर में हो ये जरूरी है। चाहे आप एक हिस्से वाला जानवर जैसे बकरा बकरी खरीद के ले आइए, या एक हिस्सा बड़े जानवर में ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत आसानी है कुर्बानी करने के लिए। आजकल मदारिस वाले तो 1000 रुपये 500 रुपये में भी कुर्बानी का जो है हिस्सा दिलवा देते हैं आपको, 1000-2000 रुपये में भी हिस्सा मिल जाता है। तो इसीलिए कुर्बानी आप ये सुस्ती में हल्के में लेकर कि कुर्बानी कैसे करेंगे, जानवर कहाँ से लाएंगे, ये सोचकर कुर्बानी छोड़ देंगे तो समझिए कि बहुत खतरनाक अजाब होगा कयामत में। इसीलिए कुर्बानी को हल्के में मत लीजिए। अगर आप पे कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी जरूर देने की कोशिश करिए। अब चंद मसाइल समझ लेते हैं। बास जगह एक जानवर ले आते हैं, समझिए कि एक बकरा लेके आ गए, क्योंकि जानवर में 2 किस्म के हैं। एक किस्म वो जानवर जिनमें 7 हिस्से हैं, दूसरे किस्म के वो जानवर जिनमें 1 ही हिस्सा है, जैसे बकरा बकरी भेड़ दुम्बा मेंढा, इसमें क्या है 1 हिस्सा है। जो बड़े जानवर हैं, ऊंट है बैल है भैंस है गाय है, इसमें 7 हिस्से हैं। तो कुछ आदमी ये समझते हैं कि एक जानवर खरीद के लेके आ जाएंगे और उसको ज़िबा कर देंगे तो पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर हो जाएगा। गलत मसला है, गलत सोच है। अगर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो कोई बात नहीं, एक जानवर लाके सबकी तरफ से कर दीजिए। लेकिन अगर कुर्बानी वाजिब हो रही है और घर में समझिए कि 10 आदमी हैं, बीवी है बच्चे हैं, सब मिलकर 10 हो रहे हैं, और आप एक जानवर लाकर सोचते हैं कि चलो सबकी तरफ से कर देंगे, एक जानवर घर वालों की तरफ से हो जाएगा। हदीस में तो आया है, हदीस में जो आया है वो नफिल कुर्बानी के बारे में आया है, वाजिब कुर्बानी के बारे में नहीं आया है। कौन बताएगा उनको? अगर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो एक जानवर लाके कर दीजिए, सबकी तरफ से हो जाएगा, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन हाँ, अगर कुर्बानी वाजिब हो रही है, हर एक आदमी का नाम कुर्बानी के जानवर में होना जरूरी है। अगर जानवर छोटा लाए हैं तो एक जानवर, यानी जैसे बकरा लाए हैं तो एक आदमी का नाम आएगा। अगर घर में और 9 आदमी जिन पे कुर्बानी वाजिब है, कहां जाएंगे? कयामत में पकड़ी जाएंगे, कयामत में पिटाई होगी, अजाब होगा। लेकिन हाँ, अगर 7 आदमी थे, 7 जानवर लाके, एक जानवर लाके बड़ा जानवर 7 हिस्सा कर देते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए एक जानवर करके पूरे घर वाले ही निकल जाएंगे ये सोच रहे हैं, गलत मसला है, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी के लिए अलग अलग हिस्सा जरूरी है। इसी तरह ये भी समझ जाइए, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कुर्बानी का ताल्लुक तो शादी के बाद है। जैसे अभी कोई लड़की है, आमतौर पर औरत के बारे में समझा जाता है, अगर लड़की है अभी शादी नहीं हुई है लेकिन जेवरात वगैरह शादी के लिए जमा करके रखी है, कुछ पैसे भी जमा करके रखी है, और इतना हो गया है कि जिससे कुर्बानी वाजिब हो जाए उस पर, तो ऐसी सूरत में सोचती है कि हाँ अभी थोड़ी ना कुर्बानी है, कुर्बानी तो शादी होने के बाद से लागू होगी। गलत मसला है, कुर्बानी में शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि बालिग होने से ताल्लुक है। अगर बालिग हो चुके हैं अब कुर्बानी वाजिब है, चाहे शादी हो न हो, शादी से कुर्बानी को जोड़ना ये गलत है। इसी तरह कुछ लोग ये समझते हैं जो है एक वाजिब होने में कि कुर्बानी जो है हम अगर कर रहे हैं तो अपने नाम से करके किसी और के नाम से कर देंगे, ये भी गलत सोच है। अगर कुर्बानी आप पर वाजिब है तो आप अपने नाम से करेंगे, किसी दूसरे के नाम से क्यों करेंगे? आपकी कुर्बानी फिर कौन करेगा? इसीलिए अगर आप पे कुर्बानी वाजिब है तो अपने नाम से करिए। उसके अलावा अगर किसी और के नाम से करना चाहते हैं और जानवर लीजिए और हिस्सा लीजिए, ताकि और के नाम से करिए, कौन मना कर रहा है आपको? ये भी गलत है, जरा सोचिएगा समझिएगा इसको। इसी तरह कुर्बानी अगर गरीब आदमी है और जानवर खरीद लेता है कुर्बानी की नियत से, कुर्बानी किसी पे वाजिब नहीं थी, कोई आदमी ऐसा है जिस पे कुर्बानी जरूरी वाजिब नहीं थी, लेकिन कुर्बानी के इरादे से, कुर्बानी के शौक से एक जानवर खरीद के लेके आ गया
और ये सोच के लाया कि इसकी कुर्बानी करूंगा मैं, अब समझिए कि उस जानवर की कुर्बानी वाजिब हो गई उस गरीब पे। अब कुर्बानी वाजिब नहीं थी, मालदार नहीं है, फिर भी कुर्बानी वाजिब हो गई उस जानवर की। अब जानवर गुम हो जाए तो ये सब अलग मसला है, इसको छोड़ रहा हूं यहां पर। अब उस गरीब होने के बावजूद भी उस आदमी पे कुर्बानी, क्योंकि कुर्बानी की जानवर से जो है इरादे से जानवर खरीद के लाया था। लेकिन हाँ, अगर जानवर खरीद के लाते वक्त कुर्बानी का इरादा नहीं था, बाद में इरादा किया कि चलो अब ये जानवर जो लाया था इसी कुर्बानी कर दूंगा, अब इरादा कर रहा है, इससे कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, इससे कुर्बानी उसके लिए जरूरी नहीं होगी। जानवर अगर खरीद के ला रहा है कुर्बानी की नियत से, तब जाकर कुर्बानी वाजिब होगी गरीब पे। बहरहाल ये चंद मसाइल जो बहुत अहम और जानने के हैं, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाजरीन व सामईन, आप एक मोतबर व मुस्तनद चैनल MARB दीनी मालूमात देख रहे हैं। आपकी खिदमत के लिए बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद इसमें वीडियो डाले जाते हैं। अल्लाह से दुआ है ये चैनल इस्लामी जिंदगी में आपके लाहद काम आए, आमीन।